रोजगार जीएसके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करें, जिसका करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद ही अपने फॉर्म में करेक्शन करें। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप ऑफिस साइट पर आते हैं, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर। तो आप किसी के भी माध्यम से जो कि लॉगिन हो सकते हैं, जैसे आप ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो ईमेल आईडी फिल कीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे, कैप्चर कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे, लॉगिन कर देंगे। उसी तरीके से मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए अपना, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी जिसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। कैप्चर कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कैप्चर कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लॉगिन कर देंगे। सेम उसी तरह को ओटीआर से अगर आप करना चाहते हैं तो ओटीआर आईडी नंबर फिल कीजिए, पासवर्ड जो आपने डिजाइन किया तो उससे फिल कीजिए, कैप्चर कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसकी एंट्री करेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसा ही आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं, आपको यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2024 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि 28 मार्च 2024 से आपका जो कि करेक्शन स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल 2024 रहने वाली है। अगर आप ओटीआर में एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए अपडेट एडिट ओटीआर का ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक करके आप अपना ओटीआर भी एडिट कर सकते हैं। तो हम पहले ओटीआर देखेंगे, उसके बाद जो कि एडिट पार्ट वन भी देखेंगे। तो सबसे पहले ओटीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ओटीआर में अगर आप अपने प्रोफाइल में एडिट करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका ओटीआर ठीक है उसके बाद आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जैसे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर। अगर ओटीआर के अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ओटीआर का देखते हैं तो ओटीआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओटीआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी वैलिडेट द चेंज ऑफ अपडेशन ओटीआर। तो मैंने पहले ही एक बार जो कि अपना ओटीआर चेंज कर चुका हूँ, इस वजह से जो कि मेरा ओटीआर जो कि ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप एक बार भी ओटीआर में करेक्शन नहीं किए होंगे उस केस में आपका जो कि ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद आप अपना ओटीआर एडिट कर सकते हैं। अब जो कि यहाँ पे हम एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओटीआर एडिट करने के बाद आपको देखिए एडिट फर्स्ट पार्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट वाले ऑप्शन पर जो कि क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म देखिए लॉगिन हो चुका है। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखिए नेशनलिटी एडिट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे एडिट वाले ऑप्शन पे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो कि ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस एडिट करना चाहते हो तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो कि इनेबल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो कि अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी हो आप अपने अकॉर्डिंग जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं पे अगर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि पद का नाम है, किस अधिकारी ने जारी किया था सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी ने, तो आप यहाँ पे जो कि उसका पद नेम जो कि चेंज कर सकते हैं। स्टेट अगर आपने गलत चूज कर लिया तो स्टेट भी अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जारी तिथि जो कि गलत कर दिया तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने क्वालिफिकेशन गलत कर दी थी उस केस में आप एडिट करेंगे, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है। मेरे को कई सारे कमेंट आए थे, सर मैंने रेगुलर की जगह जो है कि बीएससी हॉनर्स डाल दिया या उसके जगह पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डाल दिया, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो किसे एडिट कर लेंगे इस तरीके से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो कि एड्रेस डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, आप जो भी एड्रेस अपना फिल एडिट करना चाहते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस आपका जो कि एडिट हो जाएगा। अगर आप एडिट कर लेते हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे कि फॉर्म में दोबारा कोई आपकी त्रुटि ना हो, उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पे आयु में छूट का दावा अगर आप करना चाहते हो यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो ही रहने देंगे। उसके बाद जो कि कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए जो आपने आईडी प्रूफ अपलोड किया था उसकी डिटेल आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। अगर जैसे आप मैंने जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट किया था, अगर उसकी जगह आप आधार कार्ड देना चाहते हैं उस केस में आप एडिट करेंगे, ये वाला ऑप्शन देखिए इनेबल हो जाएगा। जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या वोटर आईडी दे सकते हैं। तो आपकी जो भी आईडी प्रूफ है आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर आप यहां पे दो बार फिल करेंगे, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना जो कि डॉक्यूमेंट जो कि आप अपलोड कर देंगे। यहां पे देखिए व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो आपने अपलोड किया है उसे आप देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप गलत फाइल जो कि अपलोड कर देते हैं उस केस में आप यहाँ पे जो कि एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कि अपना
फोटो पहचान पत्र जो है कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, उसको आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कैप्चर कोड देखने को मिल जाएगा, उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, आई एग्री वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए जो आपने डिटेल एडिट की होगी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद व्यू अपडेटेड फर्स्ट पार्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखिए फिर से अपने जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर से आएंगे। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ और जो कि सिग्नेचर कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे देखिए पार्ट टू रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है व्यू अपडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया था आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए नेम, किस तरीके से आपको नेम लिखना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मैसेज किया था सर मेरे जो कि फोटोग्राफ जो कि हमने मैंने नेम और डेट जो कि मेंशन नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको जो कि मेंशन करना है, पहले नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है। उसके बाद जो कि फोटोग्राफ डेट, तो जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया था उस दिन आप उस इस तरीके से डेट मेंशन कर देंगे। अगर आप आज जो कि दोबारा जो कि फोटो अपडेट करते हैं उस केस में आप देखिए जब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और जब से उसकी लास्ट डेट थी उसके बीच में आप कोई सा भी डेट डाल दीजिएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस तरीके से करेंगे। अगर आप फोटो को रीसाइज कैसे करेंगे तो या फोटो का आप नेम कैसे मेंशन करेंगे तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैंने पहले फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताया था उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कैसे अपने फोटो का को जैसे कि इस तरीके से नेम लिखेंगे और कैसे उसको आप रिसाइज करेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर देख लेंगे, अगर आपको सिग्नेचर में भी कोई त्रुटि है तो आप यहाँ पे अपडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आपको देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपने डेट मेंशन करना भूल गए हो या अपना नेम मेंशन करना भूल गए हो या कोई अलग फोटो अपडेट हो गई हो या अपलोड हो गई हो तो उस केस में आप यहां से एडिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर नीचे आप आएंगे, आपको यहां पे देखिए फॉर्मेट भी बताया गया कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए और नेम में आप इस तरीके से नेम लिखेंगे, फोटोग्राफ डेट लिखेंगे और इस तरीके से डेट जो कि मेंशन कर देंगे। उसी तरह सिग्नेचर की बात करेंगे तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करके फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किस तरीके से आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो कि रिसाइज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसको वीडियो का जो कि लिंक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर देखिए अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए व्यू अपडेट सेंटर, अगर आप सेंटर अपना चेंज करना चाहते हैं उस केस में आप जो कि दूसरा वाला ऑप्शन जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने जो सेंटर चूज किया था वाराणसी, अगर मैं इसे अपडेट करना चाहता हूं तो अपडेट सेंटर वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर जो आप चेंज करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे जो कोई लिस्ट मिल जाएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं आप जो कि उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आपका सारा करेक्शन हो गया हो तो आपको यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मेरे को देखिए फॉर्म में कोई एडिट नहीं करना है, मेरा फॉर्म जो कि प्रॉपर सही है, इस केस में मैं फॉर्म को दोबारा जो फाइनल सबमिट नहीं करूंगा। तो आपको अगर त्रुटि हो तो आप उस केस में अपना जो है कि फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट जो कि आप सेव करके रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।